अच्छा, रामदेव बाबा के हैं। और गाय का दूध, अच्छा उसका बछड़ा नहीं पिएगा, कौन पिएगा? 9 8 3 9 6। हमें पैसा नहीं चाहिए बोल के दया कर रहे हो क्या? 4 0 2 0 5। जी जी जी, काम भी नहीं। विश्वामित्र राजा बोला क्या चाहिए, चाहिए जी जी, इतने सैनिकों को भोजन दिला दिया, वो गाय के पास खड़ा होकर बोलते हैं पैसा नहीं चाहिए, भिखमंगा रहना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य नहीं है पैसा। अभी करीब 50-60 लोग आए हैं, 50-60-70-80 लोग आए हैं बस। और गाय से जी जी, गाय से जी जी जी, एक कथा गाय ने हाथ मारा नहीं, आप अच्छा, आपसे कलकत्ता में रहते हैं ना, सिद्ध करेंगे तो आप और जिस दिन ये बोलेगा बनिया का बच्चा कि सारा धंधा तो नुकसान का है, नफा का तो ये है, प्लस प्लस में आएगा और 100 बनिया आ जाएंगे रस्ते पर ऑटोमेटिक, बोले हम भी गाय गच्छ और जमीन खरीदेंगे, और हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सेवा के लिए कर रहे हैं। क्या मतलब इसका, क्यों कर रहे हो फिर, कौन बोला करने के लिए? यहाँ पे आके बड़ी संतुष्टि मिल जाती है। हाँ ठीक है ना, इतनी शांति मिल जाती है, कभी दिमाग में टेंशन में होता है, कुछ हो जाता है तो घर परिवार खाली संतुष्टि में बैठ के खाओगे और वो परिवार वालों को असंतोष करके आके खुद संतुष्टि में बैठ जाओ, काम नहीं बन पाएगा ना, टेंशन रहेगा। संतुष्टि उसे कहते हैं स्वयं में सुखी, परिवार में सुखी और समाज में सुखी। अभी तो आप खुद सुखी हो, मज़ा आता है मेरे को जब बोलते हैं ये बाबा है, घर का पैसा लेके गौशाला में डाल देता है और खुद वो दूसरा धंधा कर लेता है, वो कर लेता है, तो अपने अहंकार को मज़ा आता है, अपने अंदर का जो सुखमय ईगो बैठा है ना, बड़ा मज़ा आता। देखो हम थोड़ा आकड़ू आदमी है, मेरा बोल दूँ खराब नहीं सोच लेना है ना, नहीं हाँ, बड़ा सच्चाई है अंदर का, मैं भी नहीं समझ रहा था, मेरे को भी ये बड़ा मज़ा आता था जब लोग बोलते थे तो ये पागल आदमी देखो गा तो और अच्छा लगता था, पागल आदमी गाय से बात देखो, गाय को पकड़े हुए बैठे हुए, गाय के साथ खा रहे हैं, गाय के साथ सोए हैं, ये बड़े अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब धीरे 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 वो जावालक जैसे ब्रह्म ज्ञान होने लगेंगे ना, जब आप पकने लगोगे, अभी तो कच्चे कच्चे हो, पक जाओ तब समझ में आएगा, अरे मैं तो मेरा तो उस समय का पागलपन था, ये पागलपन थी। बट मैच्योर्ड हो जाओ, मैच्योर्ड क्यों हो जाओ, जब मैच्योर्ड हो जाओगे तो ये कहने का जरूरत नहीं है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा तो उधर से इनकम आ रहे हैं और ये क्या करना है और वो क्या करना है, मेरे घर वाले दुखी हैं और मैं उनको छोड़ के मैं इधर आ जाता हूँ, क्यों बोलोगे भाई, क्यों बोलना है? वो है नहीं, मुझे आके यहाँ संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती होती तो फिर आने का जरूरत क्या था, संतुष्टि नहीं मिल रहा है बोल के तो यहाँ बैठे हुए हो, और संतुष्टि मिले तो बोलना है क्या, वो मुंह दांत हाथ नाक कान और अंदर बोल देगा, वो अंदर यहाँ लग कर जाएगा, आप तो मौन, क्या बोलना है इसको, कहाँ से धोती वोती पहन के आ गया तो बाबा हो गया क्या, हम तो इससे बड़े बाबा क्या बोलो, सेवा कार्य हेलो और लाइए 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 तो यहाँ सबको खाएगा, एक गाय साल में मिनिमम 1 लाख और बना लीजिए, यहाँ सबको खा लो बिना भी बना लीजिए, खिजा वाला महाराज जी का प्रोग्राम हुआ अपना उड़ीसा में एक जगह पर, तो उसमें बहुत अपने बनिया भाई लोग थे, उन्होंने बोला प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया हुआ, गुलदस्तों भी हुआ वहाँ पर, बोला चले संबलपुर में प्रोग्राम हुआ, संबलपुर में प्रोग्राम करते हैं, तो एक बहुत बड़े पैसे वाले पार्टी हैं, क्या बोले संबलपुर का आधा मालिक बोलने से चलेगा, जो खेतराजपुर मारवाड़ी बनियानों का जितना है ना आधा जमीन उसी का है, कम से कम 150 टाउन के अंदर है उसको, तो एक लड़का आके उसको बताया मेरे बारे में, मेरे को बुला के लेके गया, मैं उनसे बात की, वो बोले चलिए हम एक गौशाला करते हैं, गौशाला में मैं कितना खर्चा होगा बताओ, मैं वो बोला गौशाला बताया बरगढ़ वाला, बोला 30 लाख तक खर्चा आएगा, बोला 30 लाख में खर्चा कर दिया, चलो टोटल आप मैनेजमेंट करोगे, अरे आज मैनेजमेंट ऐसी नगर मंदिर में चल रही है, कल आज भी है और कल भी है, तो शाम को आना हो जाए चाहे आज, आदमी को जैसा मैं सब बता दिया, गोवर की जैसा महाराज जी शास्त्री नगर दुर्गा मंदिर धनबटी ये सब बताने चालू कर दिया, कल शाम को 5 से 8 का समय है, इन्वेस्ट करूंगा 1 स्क्वायर फीट जमीन लूंगा गौ माता के अंदर, कल वहीं भी पूरा चर्चा होगी, बोला नहीं हो पाया क्योंकि उसमें उसका स्वर्ग आ गया, तो हम लोग कथा में थे तो वही विस्तार है, के लिए बनिया के लिए एकदम पक्का है, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ कमा के लिखा, ठीक है तो कल भेंट हो जाएगा, भैया मैं नहीं घुस रहा है,
जब आप कमाने लगोगे ना तो बाकी बने भी उतर जाएंगे ऑटोमेटिक। गाय का दूध का रेट तो कोई पूछेगा नहीं भी। अब रायपुर जाओगे फ्री में ले लो दूध, बोले अब रायपुर जाओगे 50 रुपया रेट दूध का है, गाय का दूध। सीधा सीधा बोलेगा यार 50 टन गोबर चाहिए, 100 टन गोबर चाहिए, क्या करोगे? बेचो गोबर, ठंडा बनाओ, गोबर का गैस बनाओ, सिलेंडर फिलिंग करो। देखो आज डीजल का रेट बढ़ा दिया, बोलना 6 गैस सिलेंडर घर में यूज करो। जब यहाँ से वो उस दिन का सपना देखो, 6 सिलेंडर यूज करोगे, ब्राह्मण शांत अशांत हुआ तो मर गया, बनिया शांत हो गया तो मर गया। इसलिए यहाँ संतुष्टि के लिए मत आओ, असंतुष्टि के लिए आओ। हर पल हर सांस में देखो कि इसे करोड़पति बनाना है। गाय एक मोहला नहीं, 10 ताल्ला उधर होना चाहिए। लिफ्ट में गाय जाएंगे आएंगे, हर गौ माता के लिए एक बहन। गाय कहाँ जा रहे सैर सपाटे में निकली, क्या बोले दान दान तू गाय से कितना लेगी बोल। ऐसा है, वो गाय का कीमत करने हम लोग निकले हैं, बहुत क्रांति करने आए हैं। यहाँ दान दक्षिणा और चंदा और दे दे बाबा वो करने नहीं आए, और बनिया बच्चे के लिए वो सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। वो सपना देखो, ऐसा सपना देखो, और जो सपना देखोगे स्केच बनाओ, ड्राइंग बनाओ, लैपटॉप में उसका बनाओ और डेली उसे देखो। जो आमुए मोदी की अर्थ पढ़ाता है ना, वो अपने जीवन पे लगाओ, अपने गौशाला में लगाओ जी। और इसे भव्यता देना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बनने का काम है जी। मेरा काम भी मान दे दो भाई कुछ सर, बताना काम दर्द नहीं देता।